ये देखिए गाइस, आज 21 अप्रैल है, रात के 10:30 बज रहे हैं और आप देखिए यहाँ पे बर्फीला तूफान है। यहाँ अंदर तक पूरी बर्फ है, देखिए फुल बर्फ है एकदम। तूफान देखिए आप कैसे चल रहा है, वाह भाई जबरदस्त ठंड है। ये देखिए वाओ, मैंने बहुत बार बर्फ देखी है लेकिन ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। लग रहा है सुबह पीने का पानी भी गर्म करके पीना पड़ेगा, फुल तूफान है देख सकते हैं आप सब। देखिए ये जो चल रहा है इसको थंडर स्टॉर्म बोलते हैं, आइस थंडर स्टॉर्म, और अप्रोक्सीमेटली 1.5 फीट बर्फ गिर चुकी है अभी तक, और ये अभी सिर्फ 1 से 1.25 घंटे में हुआ है और ये मुझे लग रहा है पूरी रात होगा। बाकी की वीडियो मैं सुबह दिखाऊंगा आप लोगों को। हेलो एवरीवन, ये देखिए कल जो रात को थंडर स्टॉर्म आया था उसके बाद उस टाइम कितनी बर्फबारी हुई है। रात को तो वीडियो नहीं बना सकते थे लेकिन अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए हर तरफ फिर से सफ़ेद ही सफ़ेद है, इस बार और ज़्यादा बर्फ़ गिरी है और पाला भी बहुत गिरा रात को। ये देखिए आकाश कुंड के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उससे ज़्यादा कहीं आपको बर्फ दिखेगी। गिरने से पहले ये जम गया है, इतना टाइम हो रहा है सुबह के 7:20, 22 अप्रैल। इस ट्रिप में जितना मज़ा लिया है ना मैंने बर्फ़ का, उतना मज़ा मैंने लेह लद्दाख में भी नहीं लिया, कश्मीर में भी नहीं लिया। ये पीछे वाला जो पर्वत दिख रहा है नीचे वाला, आपको यहाँ तक मैंने ट्रैक किया था एक दिन,
उसका वीडियो डालूंगा मैं, काफी दुर्गम चढ़ाई है। रेलिंग पे आप सोच रहे होंगे बर्फ़ नहीं जमी है, क्योंकि इस बार तूफान था तो रेलिंग पे बर्फ़ नहीं गिरी, जो भी गिरी है हवा से उड़ के नीचे जा चुकी है। हवा के कारण, तूफान के कारण। जय बाबा तुंगनाथ। उतार के नहीं जा पाऊंगा मैं, शूज नहीं है, शूज मैंने पहने नहीं है। मम्मी के प्रांगण में एक बर्फ बर्फ टूट रही है, नमस्कार। हाइक्स करके कंपनी है जो ट्रैक कराती है, वो लोग लेके आए हैं जरूर। उससे ऊपर भी कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे वाले, कुछ लोग अपने आप ही ट्रैक करने आए हैं और वो सामने आपको चंद्रशिला टॉप के लिए अच्छी खासी बर्फ में ट्रैक कर रहे हैं लोग। कल हम सोपता से ऊपर ट्रैक कर रहे थे साथ, हम वीडियो डालूंगा मैं। थंडर स्टॉर्म स्टार्ट होते होते हम लोग जैसे 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 तैसे घर पहुँचे थे, जहाँ मेरा रूम है यहाँ होटल, और वो होटल वाला जो है उनका लड़का था। अभी भी बादल लगे हुए हैं, उम्मीद है कि बारिश गिरेगी दोबारा से। ये देखिए डॉगी आराम से सो रहा है बर्फ में। कालू, ए कालू, कालू, इन लोगों को शायद चढ़ने में कठिनाई हो रही है, आवाजें आ रही हैं। एक तो ऑक्सीजन लेवल जीरो है ऊपर,
और थैंक्स टू PWD उन्होंने रास्ता पूरा बराबर बना दिया। नजारा देखिए आप, आ जाओ चाय वाय पी लो। ओम हरि नारायण। अब गीला हो जाएगा लग रहा पैर। देखिए आज ज्यादा लोग नहीं आए हैं क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन दिल्ली में और उत्तराखंड में भी सैटरडे संडे का लॉकडाउन बताया गया है। इधर से था मंदिर जाने का रास्ता ऐसे, बाद में उसको बंद करके उस तरफ से बना दिया है और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मतलब मेरे देखते देखते यहाँ पर मैं पिछले 2011 जून 2011 से यहाँ पर आ रहा हूँ, तब से लेकर अब तक यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। काफ़ी होटल वोटल काफ़ी हो गए हैं। अभी ये सीज़न में खुलेंगे, जब सीज़न खुलेगा तो, अगर कोरोना का लॉकडाउन ना हुआ तो ये सब होटल खुलते हैं। उस समय यहाँ पे सिर्फ 3 ही होटल थे और कोई अपने पास भी कोई कैमरे का फ़ोन नहीं था। यहाँ से जाने के बाद ही कैमरे का फ़ोन लिया कि हमने काफ़ी चीज़ें मिस किए लोगों को दिखाने के लिए, और उसके बाद वीडियो भी काफ़ी बनाते थे लेकिन कभी चैनल नहीं बनाया था। लेकिन अभी इसी बहाने वीडियो भी बन जाती है और लोगों को आइस के दर्शन भी हो जाते हैं। देखिए अंदर कोई यात्री रुका हुआ था यहाँ टेंट में रात को थंडर स्टॉर्म में। यहाँ पर टेंट में रुकने का एक अलग ही मजा है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आइए, मेरी तरह मत आइए। Mm-hmm.